नमस्कार, साई नमनो एसएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ गणेश चिलका। दामनकर नाका मित्र मंडल व स्वाभिमान सेवा संस्था के अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने पद्मनगर और कामतगर के निजी दवाखाना चलाने वाले डॉक्टरों का सम्मानित किए हैं गणेश पंडाल में। आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में डॉक्टर लोग भी डर से हमारे अपने दवाखाने बंद रखे थे, इससे पद्मनगर और कामतगर परिसर में बहुत सारे मौतें हुई है और जनता परेशान हो चुकी थी। संतोष शेट्टी ने अपने प्रयास से सभी डॉक्टरों से संपर्क करके उनको प्रोत्साहित करके अपने दवाखाना चालू करने को कहा था। उनके कहने पर ही पद्मनगर और कामतगर परिसर में दवाखाना चालू किए अपने डॉक्टरों ने, आज उनका सम्मानित किए है, क्योंकि कोरोना संकट काल में कोरोना योद्धा की तरह वो भी काम किए है। इस वजह से दामनकर नाका मित्र मंडल की तरफ से उनको सम्मानित किए है। आइए देखते हैं। दामनकर नाका मित्र मंडल व स्वाभिमान सेवा संस्था के अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने पद्मनगर कामतगर के निजी दवाखाना चलाने वाले डॉक्टरों का गणेश पंडाल में सम्मानित किए हैं। कोरोना काल में डॉक्टरों ने भी कोरोना के डर से सभी निजी दवाखाने बंद रखे थे। निजी दवाखाने बंद की वजह से स्थानीय नागरिकों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संतोष शेट्टी ने सभी निजी दवाखाने चलाने वाले डॉक्टरों से बैठक करके उनको प्रोत्साहित किए। संतोष शेट्टी के बोलने पर ही पद्मनगर कामतगर के निजी डॉक्टरों ने अपने दवाखाने चालू किए। निजी दवाखाने चालू होने से वजह से आज पद्मनगर कामतगर में कोरोना नियंत्रण में है। पद्मनगर कामतगर के डॉक्टरों ने कोरोना योद्धा की तरह काम किया है इस समय। इसलिए दामनकर नाका मित्र मंडल के अध्यक्ष संतोष शेट्टी ने डॉक्टर चन्ना राजा मल्लैया, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण दैवनपल्ली, डॉक्टर अंकम राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एम वी राजम, डॉक्टर नरेंद्र सामल, डॉक्टर टाटीकोंडा प्रसाद, डॉक्टर जी वी नरसैया, डॉक्टर बेती कृष्ण हरि का सम्मानित किए हैं। सम्मानित हुए सभी डॉक्टरों ने दामनकर नाका मित्र मंडल के अध्यक्ष संतोष शेट्टी जी का आभार प्रकट किए है। भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष बीजेपी का संतोष अन्ना को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो कोविड जो चालू हुआ 5-6 महीने से, मैंने देख रहा हूँ भिवंडी में 90 नगर सेवक लोग हैं। इसमें मैं कोई नगर सेवक को ऐसा नहीं देखा हूँ कि जैसे संतोष अन्ना ने काम किया है। आज जो भिवंडी में सेव हुआ करके जो मैं सोचता हूँ कि संतोष अन्ना ने मेहनत की वजह से थोड़ा भिवंडी में कवर हो गया। जैसा इंदिरा गांधी में बोलो, जैसा अभी जो कोविड हॉस्पिटल राय स्कूल में, कामतगर वरल देवी हाल में ये चालू हुआ, इसका पीछे संतोष अन्ना का मेहनत है। और मैं ये जो बोलना चाहता हूँ कि ये जून महीने में जो कोविड से बहुत से लोग मर रहा था, अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग मरा था, इसमें पुलिस लोग भी मरा था, ये सब देख के हम लोगों को भी थोड़ा डर लगा भी हम क्या हो सकते। इसके लिए हम लोगों ने हमारा क्लिनिक बंद रख के हम लोग घर पे रहते थे। तो ये सब देख के संतोष अन्ना ने हम लोगों को बुलाया, तो बुला के सभी लोगों को बुला के हम लोगों को बोला, बोला क्या प्रॉब्लम है आपको, बोला हम लोग बताए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बोलो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको क्या चाहिए, आपको किट चाहिए तो किट मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, सब आप लोग हिम्मत करके आपका दवाखाना चालू करो करके हम लोगों को बताया। और जो भी आईजीएम से भी हम लोग बात करके भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसा हम लोगों को आश्वासन दिया। इसका कारण से हम लोग जब से हमारा क्लिनिक चालू करके हम लोग आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। भले कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, सारे आपने लोग बोला है, और चालू है थोड़ा, मतलब पहले से तो अभी कंट्रोल में है, पूरा नहीं गया है। अब आईजीएम डॉक्टर्स ने बोला कि पूरा ख़त्म करेंगे तो आपसे होगा, आपको क्या है हॉस्पिटल में आपका सुविधा भी अच्छा हुआ, इसका कारण से आप लोग कर सकते हैं। और हम लोग भी जितना होगा हम लोगों से भी, मतलब हम लोग तो ज़्यादा ये नहीं कर सकते, फिर भी जितना हो सके हम लोग हमारा ट्रीटमेंट करेंगे, और जो भी हमसे नहीं होता तो हम लोग
हॉस्पिटल में रिफर करता है। और मैं फिर से एक बार संतोष अन्ना को धन्यवाद देता हूँ। नाका मित्र मंडल स्वाभिमानी सेवा संस्था के अध्यक्ष और कमेटी और कार्यकर्ता और भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष संतोष अन्ना शेट्टी को भी हम दिल से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आज इस संकट समय में कितने लोग जो कोरोना युद्ध माने जा रहे हैं, जो डॉक्टर्स पुलिस सरकारी कर्मचारी और जो साफ सफाई कर्मचारी, सबको नज़र में रखते हुए सबकी सत्कार करने की उनके जो अच्छे से विचार आए, सबको उत्साह उमंग उत्साह देते हैं। ये अभी से नहीं, इनकी तो पहले से ही इनकी ऐसी है, सबको उत्साह देकर उमंग देकर उनको आगे बढ़ाते हैं। और बाकी मैसेज तो अपने सामला सर बाकी लोग तो बता ही दिए, और IGM की तो विशेष सब लोग सुने ही हैं। IGM अमल डॉक्टर सर भी इतने बोले, मैडम बोले कि आज हम कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, ये भी हम विश्वास रखते हैं। और इस महामारी कोरोना के संकट में कितने लोग नर्वस हो चुके थे, और जो सीनियर सिटीजन में मतलब डॉक्टर लोग भी जो बोले, कुछ लोग बोले कि क्लिनिक नहीं खोल रहे थे, तो संतोष अन्ना ने जो बोले इतनी हिम्मत दी है सबको कि प्रॉब्लम्स को जो है कुछ डॉक्टर बोले कि पेशेंट को ही बेड नहीं मिल रहा है, अगर डॉक्टर को कुछ हुआ तो कैसा। संतोष ने इतना बोला कि तुम्हारे लिए बेड के क्या, तुम दवाखाना खोलो, पेशेंट देख करो, अगर किसी को बेड नहीं मिला खाली फोन करो, मैं इनको दिला देता हूँ। मतलब हर बात के लिए उन्होंने इतनी तसल्ली दिया, इतनी हिम्मत दिया उनको, तो इसकी मैं बात शब्दों से नहीं बोल सकता हूँ। सब लोग को इतनी हिम्मत दी है और सब लोग आज भी संतोष ने हिम्मत देते रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ संतोष अन्ना को कि आगे भी हमें ऐसे हिम्मत देते रहे और हम समाज में काम करते रहेंगे, उससे बोलते रहेंगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। साई नमो नमो SNN न्यूज से, मैं गणेश चिल्का।